मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रूपल सेन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वॉइसेस। सबसे पहले आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है वॉइस। और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन। तो वॉइस होता है दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अभी जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये कितने ऐसे टेंसेज हैं जिनका वो बन पाता है? तो जी हाँ, 12 टेंसेज होते हैं, बट बनता कितना का है, केवल 8 टेंसेज का बन पाता है। एक और इसमें खास बात है कि इंट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्य यानी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। विदाउट उस रूल्स के फॉलो किए आप एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो रूल्स आपके स्क्रीन पर, एक रूल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। अब पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि कर्म से पहले हम बाय का यूज करते हैं। टेंस में जो भी हमारे पास टेंस के अनुसार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स लगे होती हैं वो आगे आपको टेंस में समझ में आएगा। और एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आप यूज करोगे वो जब हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में, उस टाइम पे वो वर्ब थर्ड फॉर्म में कर ली जाती है। अगर पहले से थर्ड फॉर्म में है तो भी थर्ड फॉर्म में रखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किसी भी फॉर्म में है तो हमने उसे थर्ड फॉर्म में बना लेना है। अब कुछ हमारे एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्टिव केस में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि अगर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आई का माई, यू यू, हर का शी, देम का दे, अस का वी, हिम का ही, इट का इट, होम का हु। स्क्रीन के ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा, आप इसको देख लें। अब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो पहला टेंस स्क्रीन पर आपको दिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी टेंस को बदलना है एक तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि रूल्स मैंने आपको बता रखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, मेन वर्ब जिसमें हम एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट होगा वो बदलेगा ऑब्जेक्ट में। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं इज एम आर के अकॉर्डिंग। ये पहला टेंस है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इज एम आर के अकॉर्डिंग, तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। देखिए इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है और लेटर, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। स्क्रीन पर इसको समझिए। अब अ लेटर माने एक पत्र, एक पत्र साथ हम इज लगाएंगे। ऐसा आप जानते हैं कि जितने भी सिंगुलर चीज़ें हैं उनके साथ इज लगती है, जितने भी प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ आर लगता है, और आई के साथ स्पेशली एम का यूज़ करते हैं हम, एज यू नो दैट। तो हमारा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, मैंने बताया ना हिम रहेगा तो ही, ये रहेगा तो हिम कर लेंगे उसको हम। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया, किसमें बदल गया, ऑब्जेक्ट में, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, चला गया सब्जेक्ट में। अगर ये सेंटेंस, कोई सेंटेंस अगर आपका प्लूरल में दिया गया है या ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल में आता है तो हम ईच की जगह पे आर लगाते हैं। अगर हमारा वो मी में आएगा तो हम किसमें बदलेंगे, आई में बदल लेंगे। ये तो आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको जब तक मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेक्शन। नेगेटिव सेक्शन में क्या है कि जहाँ पर हम अभी पैसिव वॉइस में इज एम आर लगा रहे थे, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। तो आपने क्या पाया कि जैसा हमने अभी प्रेजेंट सेक्शन को सॉल्व करा था, बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी में हमने सिर्फ वैसे लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, रिटन, सॉरी मैंने पिछली बार साथ जो बोला हो मुझे याद नहीं, बट रिटन क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है हर बार, हर केस में। आपको एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव सेक्शन के स्क्रीन पर एग्जाम्पल शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है इंटरोगेटिव सेक्शन। एग्जाम्पल्स पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेक्शंस में जैसा सेंस चल रहा था
हम उसी सेंस में इसको भी लगाएंगे। बस जो इज एम आर था जो अभी बीच में लग रहा था वो कहाँ चला जाएगा, स्क्रीन के आगे चला आएगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल था ही राइट्स अ लेटर, तो हमारा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा कि डज ही राइट अ लेटर। अब डज ही राइट अ लेटर का मीन्स क्या हुआ कि डज ही राइट अ लेटर का मतलब क्या हुआ, एक पत्र लिखता है। और देखिए इस सेंटेंस को यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर देखिए, इसको मैंने सॉल्व करा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। आपने प्रेजेंट सॉल्व कर लिया, इसका मतलब नेगेटिव भी कर लोगे आप, इंटरोगेटिव भी कर लोगे। बस आपको लगता है कि हमने एक्टिव पैसिव बहुत कठिन है। और यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रीन पर आपको 6-7 एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, वो पहले आप स्क्रीन पेपर को पढ़ लीजिए, इसके बाद तब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर है देखिए उनको। एग्जाम्पल्स में आपको मिलेगा पढ़ने को डू आई प्ले फुटबॉल, तो कैसे बनाएंगे, इज फुटबॉल प्लेड बाई मी। देखिए डू वी हेल्प देम, तो क्या हुआ कि आर दे हेल्प बाई अस। यहां पर सेम एग्जाम्पल मैं आपको एक ही पर दे दूं, ही पर एग्जाम्पल दे रखा है वैसे दे देता हूं। डज ही लव मी, एम आई लव्ड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हाउ डू यू सॉल्व द सम, क्वेश्चन मार्क्स सब में है, तो हाउ इज दिस सम सॉल्व बाय यू। Why do you light the lamp? देखिए why is the lamp lighted by you? ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ये आप इसको नोट भी करते रहेगा तभी आप सीख पाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ बियॉन्ड इससे कि अगर सेंटेंस में वॉट आता है, अगर कोई सेंटेंस में वॉट आता है तो वॉट ही मेरा सब्जेक्ट, वॉट ही मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपको विच बुक डू यू रीड, देखिए व्हाट डू यू रीड, सॉरी व्हाट डू यू रीड, तो हमने कैसे बनाया व्हाट इज रेड बाय यू। और दूसरा एग्जाम्पल है विच बुक डू यू रीड, विच बुक, विच बुक का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमारा विच बुक आया तो हमारा विच बुक ही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर। अब अगर सेंटेंस में आपको हु मिलता है या हु मिलता है, हु मिलेगा तो बाय हुम से बनाएंगे, और हुम मिलेगा तो हम सीधे कन्वर्ट कर लेंगे हु में। एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखिए, तो हु बीट्स यू, बाय हुम आर यू बीटन, हुम डू यू लाइक, तो हु इज लाइक्ड बाय यू। ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स थे। तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी हमारे देख रहे हो साथी, अब मैं आपको बता दूं दूसरा चीज़ कि हम आप जो दूसरा सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें बहुत, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना सारा एक्सप्लेन करा, आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में उतना कुछ नहीं करूँगा बिकॉज बहुत ईजी है। अब हमने सेम फॉर्मेट को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को जैसे भी हमने लगा रखा है इज एम आर के साथ, बस एक बीइंग एक वर्ड है बीइंग, और बीइंग का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं चाहूँगी चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे सिर्फ बीइंग लगाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स बस करना कुछ खास नहीं है, आपने जो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितना कुछ रिविजन करा है बस उसको एग्जाम्पल्स को नोट करिए और देखिए आप द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। ओके अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, देन इसको अपना प्यार जरूर दें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी क्या शुरू हो गया, फिर से कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। सो स्टे एट योर होम, ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। बाय बाय।